आपका देवी और सज्जनों एक और नई पोकेमोन यूनाइट की वीडियो में, और आज की मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि जिन लोगों का फेसबुक एंड गूगल लॉगिन नहीं आ रहा है उन लोगों को क्या करना है। बिकॉज इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी तो मैं अपना अकाउंट को कैसे रिस्टोर करना है, कैसे लिंक करना है और कैसे तुम लोग डाटा ट्रांसफर कर सकते हो, तो आज मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले सेटिंग्स में जाके पोकेमोन ट्रेनर क्लब की एक आईडी बनानी होगी। मैं तुम्हें आज वही बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक देखना। उससे पहले तुम लोग पूछ रहे थे कि भाई गूगल से कैसे लॉग इन करें, तुम्हें ये भी नहीं आ रहा। भाई तुम लोग पूरी वीडियो देखते हो नहीं, फिर मेरे से ऐसे डम सवाल पूछते हो। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें बस लॉग आउट करना है और गूगल पे जाके क्लिक करना है। जो भाई तुम्हारा आईडी है बस वो डाल दो, दैट्स इट, तुम्हारा सेफ हो जाएगी गेम। एंड दैट्स हाउ यू कैन इजीली स्टार्ट अ न्यू आईडी और तुम अपना अकाउंट सेव कर सकते हो। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, इतना सेम है भाई, सिंपल है। पूरी वीडियो प्लीज देखा करो, ऐसे डम सवाल पूछने से पहले। चलिए आगे चलते हैं अपन वीडियो की तरफ। अब बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, खास करके इंडिया, जिनका गूगल एंड फेसबुक अकाउंट नहीं आ रहा है, उनको क्या करना होगा। ठीक है, मैं अपनी दूसरी आईडी के लिए आया हूँ, दूसरी आईडी के साथ आया हूँ। तुम्हें पोकेमोन ट्रेनर क्लब पे क्लिक करना है और फिर तुम लोग यहाँ देख सकते हो पोकेमोन लॉगिन, तुम्हें नीचे जाना है सीधा और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है और सारे तुम्हें स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर तुमने एक भी स्टेप मिस करा तुम्हारी आईडी नहीं बनेगी, इसलिए तुम्हें वीडियो एंड तक देखनी होगी प्लीज। ठीक है, जैसे ही तुम क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे तुम्हें सबसे पहले वेरीफाई एज करना होगा, एंड यू हैव टू बी मोर देन 18+। तो प्लीज या तो अपनी पेरेंट्स की आईडी डालना या तो आई थिंक सो किसी बड़े भाई या बहन की, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, तो या मैं यहाँ पर अपना सिलेक्ट करने वाला हूँ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, तुम्हें बस वो ईयर पे क्लिक करना है। एंड आई जस्ट बॉर्न इन 2002, माई बर्थडे मंथ इज जनवरी एंड द डेट इज 2 जनवरी। देन तुम्हें अपना कंट्री सिलेक्ट करना होगा, तुम्हें थोड़ा स्लाइड डाउन करना पड़ेगा बिकॉज इंडिया का नाम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ये सिलेक्टेड है, तो इंडिया का नाम नीचे आने वाला है जस्ट बिलो आइसलैंड। तो तुम लोग इंडिया सेलेक्ट कर दोगे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू, दैट्स इट। तुम्हें और कहीं पर भी ना जाना है, तुम्हें सिर्फ कंटिन्यू पे यहाँ पर क्लिक करना है। एंड इसके बाद जैसे ही तुम कंटिन्यू पे क्लिक करोगे हल्का सा लोडिंग टाइम लेगा, डरना मत अगर ज़्यादा लोडिंग टाइम ले रहे तो। अब तुम्हें यहाँ पर हर एक फील्ड को फिल करना पड़ेगा, तुम्हें एक ऐसा यूजर नेम लेना है जो किसी के पास नहीं है। ठीक है, मैं फीनिक्स कास्ट लेने वाला हूँ, जो ऑब्वियसली सिर्फ मेरे पास ये इकलौता ऐसा है। चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करोगे तो तुम्हें पोकेमोन ये बता देगा, पोकेमोन ट्रेनर क्लब ये बता देगा कि क्या ये नाम अवेलेबल है, एंड यू कैन सी द यूजर नेम इज अवेलेबल। अब तुम्हें अपना पासवर्ड डालना होगा और मैं तुम्हें पासवर्ड नहीं बताने वाला। उसके बाद तुम्हें जीमेल आईडी डालनी होगी। ठीक है, कोई भी अपनी जीमेल आईडी सेट कर लो और प्लीज अपने पेरेंट्स की, अगर तुम 18 से कम हो वही जीमेल आईडी डालना, नहीं तुम्हें कंफर्म भी करनी होगी। नीचे जाके तुम्हें सारे ऑप्शन पे यस क्लिक करना होगा, तुमने किसी पे भी नो क्लिक करा तो प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद तुम्हें स्क्रीन नेम डालना होगा कि तुम्हारा स्क्रीन पे क्या नाम शो होगा प्लेयर्स को, क्या तुम्हारा नाम दिखने वाला है अगर कोई तुम्हारे बारे में सर्च करेगा पोकेमोन ट्रेनर क्लब पे। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा अपना नाम डाल दिया विच इज लाइक कॉमन, और तुम्हें इसको भी नीचे स्लाइड करना होगा और चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना पड़ेगा बिकॉज क्या ये नाम अवेलेबल है, तुम्हें ये चीज देखना पड़ेगा। मैं अपना नाम डालने वाला हूँ अपने चैनल का फीनिक्स शिवांश, एंड चेक अवेलेबिलिटी पे तुम जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हारा पता लग जाएगा कि क्या ये नाम अवेलेबल है या नहीं। इसके बाद तुम्हें नीचे जाना है और तुम्हें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़नी होगी। मैं पहले से पढ़ चुका हूँ, मैं तुम्हारे लिए दोबारा नहीं पढ़ने वाला, लेकिन टर्म्स ऑफ यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना अगर तुम्हें आगे कुछ भी करना है तो, बिकॉज आई लिटरली सजेस्ट यू। देन तुम्हें आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना होगा, तुमसे कैप्चा भरवाएगा एक, विच इज अगेन ये पता लगाने के लिए कि तुम रोबोट नहीं हो, एक असली ह्यूमन बींग हो। एंड देन तुम्हें कुछ भी नहीं करना और कुछ भी मत छेड़ना, सीधा सिर्फ कंटिन्यू पे तुम्हें क्लिक करना होगा। कभी कभार दिखाएगा द फील्ड इज रिक्वायर्ड, लेकिन उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद लोडिंग टाइम लेता है। देन तुम्हें अपना ईमेल वेरीफाई करना होगा। ठीक है, तुम्हें जीमेल पे जाना है और अपना ईमेल वेरीफाई करके आना है। देन तुम्हारे पास लॉगिन का ये पेज आ जाएगा। ठीक है, तुम्हें पोकेमोन लॉगिन में अपना यूजर नेम डालना है जो तुमने पहले सेलेक्ट करा था, स्क्रीन नेम नहीं, याद करो यूजर नेम डालना होगा। देन यू हैव टू फिल योर पासवर्ड एंड दैट्स इट। तुम्हें उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद तुम लोग देखोगे फिर से ये लोडिंग टाइम लेता है बिकॉज पहली आईडी है तो हल्का सा टाइम लेगा। उसके बाद तुम्हारे सामने एक नई आईडी पॉपअप हो जाएगी, एक नई स्क्रीन पॉपअप हो जाएगी। तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो निंटेंडो अकाउंट, स्विच वगैरह वगैरह, तुम्हारा सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। देन तुम्हें वापस आ जाना है, क्रॉस पे क्लिक कर देना है। देन तुम्हें दोबारा पोकेमोन लॉगिन पे जाना होगा और उसके बाद तुम यहाँ पर अपना यूजर नेम दोबारा डालोगे, अपनी जीमेल आईडी सेलेक्ट करनी होगी और प्लीज अपनी जीमेल आईडी याद रखना, एंड अगेन पेरेंट्स की होनी चाहिए। देन तुम्हें अपना पासवर्ड फिल करना होगा एंड दैट्स इट।
कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद तुम्हें यहाँ पर तीन ऑप्शन बोलेगा कि तुम्हें अलाउ करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, स्क्रीन नेम एंड एज, इट्स अगेन नॉर्मल, लेकिन 18 से प्लस होना पड़ेगा, तुम्हें फिर से तुम्हें बता रहा हूँ। अलाउ पे क्लिक करते के साथ ही तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो लिंक सक्सेसफुल, मेरा पोकेमॉन ट्रेनर क्लब से अकाउंट लिंक हो चुका है, अब मेरा अकाउंट गूगल से भी लिंक हो चुका है, पोकेमॉन ट्रेनर क्लब से भी, तो अब मेरा अकाउंट दो जगह से सिक्योर्ड है। तो यस, तुम ऐसे कर सकते हो अगर तुम्हारे पास गूगल और फेसबुक का अकाउंट नहीं आ रहा है। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, जरा सी भी हेल्पफुल हो, प्लीज उसको शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज मैं ऐसी वीडियो ऑन डिमांड लाता हूं।